हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग स्पोर्ट्स सो आज का इस वीडियो में मैं बात करूंगा आईपीएल 2022 का पहला मैच सी एस के वर्सेज कोलकाता चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज कोलकाता इंडिया का सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल आ चुका है वो है आईपीएल एंड आईपीएल में सारे एप्लीकेशंस आपको एक करोड़ दो करोड़ ऐसा ऐसा ग्रैंड लीग का प्राइज़ मनी आपके लिए आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है उसके लिए आपको वीडियो को देखना है देखिए आप लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो आप लोग देखते हो ठीक है सारे यूट्यूबर्स आपको स्टैट बताएगा सब कुछ बताएगा वेन्यू परफॉर्मेंस क्वैर्ड एनालिसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पता है आप लोग देखते हो आई पी एल यहाँ पे नया कुछ भी नहीं है यहाँ पे आपको सब कुछ पता है बट आपको मैं एक्स्ट्रा क्या बताऊंगा मैं आपको कोई स्टेट वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा मैं बताऊंगा आपको प्लेयर के यूटिलिटी आपको ग्रैंड लीग पे क्या करना है सीधी सी बात है एक डेढ़ करोड़ का ग्रैंड लीग ना आप किसी टीम को कॉपी पेस्ट करके आप जीत नहीं सकते हो आप कैसे जीत सकते हो आप लॉजिकली जीत सकते हो लॉजिकल काम करो लॉजिकल टीम बनाओ लॉजिकली सब कुछ करो एंड क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इसके पीछे आपका मोटिव क्या है मोटिव क्या होना चाहिए यही बात पे आपका ग्रैंड लीग आएगा कितना सारा कॉम्बिनेशन लोग बनाएगा ठीक है कोई ग्रुप अगर पांच लोगों का ग्रुप है सौ टीम लेके खेलेगा बट आपका एक टीम आपका एक टीम अगर सही ढंग से पिक किया जाए ना एक टीम काफ़ी होगा ठीक है क्योंकि जो लीग जीतेगा ना वो एक टीम जीतेगा अगर मैं जो टीम दे रहा हूं उस टीम को कॉपी पेस्ट करके वो मैं भी नहीं जीतूंगा आप भी नहीं जीतोगे कोई नहीं जीतेगा कॉपी पेस्ट में पे ट्राई मत करना ठीक है किसी की भी कट भी टीम चाहे वो कितना भी बड़ा फैंटेसी प्लेयर हो जाए उसका टीम आप कॉपी मत करना खुद का खेलना खुद का तकदीर खुद लिखो तो चलो स्टार्ट करते हैं आईपीएल 2022 सीएसके वर्सेस कोलकाता बहुत बड़ा मैच बहुत बड़ा मैच पहला मैच और मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा शॉर्टेस्ट वे पे एकदम पूरा फ्रेश पूरा फ्रेश एनालिसिस ऐसा एक तरीका ये ग्रैंड लीग जीतने का देखिए सबसे पहले है कौन सबसे पहले आपका विकेट कीपर सेक्शन विकेट कीपर सेक्शन में देखिए धोनी जो है ये थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आएंगे और कितना थोड़ा सा इनका कैप्टेंसी तो भाई अभी तो कैप्टेंसी नहीं कर रहा है माही भाई जड्डू कैप्टन है फिर भी माही भाई विकेट कीपिंग में है ये अलग सा प्रेजेंस है बट आपको फैंटेसी टीम में इन धोनी से आप ज़्यादा पॉइंट उम्मीद नहीं कर सकते हो ठीक है तो आपको फोकस करना है किस पे फोकस करना है दूसरा प्लेयर्स पे दूसरा प्लेयर्स में अगर शैमबिलिंग्स खेलते हैं तो ये आपका पहला फोकस होना चाहिए ठीक है क्योंकि सैमबिलिंग्स एक अच्छा फॉर्म पे है हार्ड हार्डिटर बैट्समैन है अच्छा खासा फॉर्म से गुजर रहा है तो फा सैमबिलिंग्स को आपको लेना चाहिए और मैच कहाँ पर हो रहा है मैच हो रहा है वाखेड़े स्टेडियम पर ठीक है मुंबई पे जहाँ पे पिच ऑलमोस्ट बैटिंग फ्रेंडली रहता है ये पहले का कुछ मैच पे ठीक है चेस थोड़ा सा आसान होता है चेस करने वाला टीम इजीली जीत जाएंगे बट आपको बैटिंग में 160 रन का क्रॉस मिल सकता है ठीक है तो आप तीन चार बैट्समैन और बैटिंग फेवरेबल ऑलराउंडर लेके आप जाने का ट्राई करो बॉलिंग पे इस मैच पे मैं थोड़ा सा कम फोकस करूंगा ठीक है उसके बाद मेरे लिए एक बहुत बड़ा पिक कौन हो सकता है शेलन जैक्सन ठीक है लोग शायद कम लेंगे धोनी को लेंगे अगर बिलिंग्स नहीं खेलेंगे बट मैं शेल्डन जैक्सन के साथ जाना प्रेफर करूंगा क्योंकि शेल्डन जैक्सन देखिए इनका ना ये एक यंगस्टर नहीं है ये इंडिया का रणजी का सर्किट में बहुत दिनों से है बहुत अच्छा बैट्समैन है इनका बैट्समैनशिप खराब नहीं है हाँ इनको मौका नहीं ही मिला है उतना इसलिए इनका परफॉर्मेंस उतना नहीं आपको सुन पाया है ठीक है अब बट बहुत अच्छा एक प्लेयर है ठीक है और ये आपको कुछ रन करके दे के जाएंगे और साथ में विकेट कीपिंग का भी पॉइंट देखे जाएंगे तो शेल्डन जैक्सन ना मेरा एक्चुअली डिफॉल्ट पिक है चाहे आप स्मॉल लीग खेलो चाहे आप ग्रैंड लीग खेलो मेरे लिए शेल्डन जैक्सन एक डिफॉल्ट पिक है बट अगर नारायण जग जगदीशन अगर खेलते हैं ना तो ये बंदा के पास टेक्निक है ऊपर बैट करने का अच्छा बैट करने का तो ये एक प्लेयर है अगर आउट हो सकता है बट इनका खेलने का चांसेस मुझे लगता नहीं है मुझे ये लगता है केकेआर का शेल्डन जैक्सन एंड सी एस का धोनी तो विकेट कीपिंग करेंगे तो मैं धोनी और शेल्डन जैक्सन में क्लियर कट मैं जैक्सन के साथ जाना फे, फेवर करूंगा उसके बाद आता है वो बैटिंग सेक्शन में देखिए बैटिंग सेक्शन में ना आपको मैं कुछ मैं ऐसे बताना ब, 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 बत, बताने वाला हूँ जो आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा ठीक है शॉक लगेगा बट ये जो मैच है ना ये मैच पहला मैच है फर्स्ट मैच का प्रेशर सिचुएशन कुछ अलग होता है ठीक है इस मैच पे ना मतलब क्या बोलूँ अगर मैं अगर बोलूँ ब्रायन लाड़ा मैथ्यू एडेन ये जैसा प्लेयर्स भी पहला मैच पे फ्लॉप हो जाता है पेनल्टी लेने के टाइम में फुटबॉलर में फुटबॉलर पेनल्टी मिस करते बिकॉज ऑफ प्रेशर ये फर्स्ट मैच का प्रेशर लेना एक बहुत बड़ी बात है बट ये फर्स्ट मैच का प्रेशर सिचुएशन में भी कुछ ऐसा प्लेयर है ना जो अलग ही लेवल का परफॉर्म करता है उनको आपको प्रेफर करने का जरूरत है क्योंकि देखो आप अगर कुछ डिफरेंट नहीं करोगे तो आपको लीग मिलने वाला है नहीं ठीक है कॉपी पेस्ट तो मत ही करो ठीक है और ट्राई करो कॉम्बिनेशन वाइज क्या करोगे आप अभी भी वी वीडियो को अगर देख रहे हो कुछ लॉजिकल लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ वहां पे मेरा फाइनल डेमो टीम तो वहां पे ही आएगा ठीक है बट उस टीम को भी कॉपी पेस्ट करने के लिए मैं नहीं कहूंगा मैं बोलूंगा भाई एज अ रेफरेंस यूज करो मैं इसीलिए फुल टीम नहीं देता हूँ कॉपी पेस्ट में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता हूँ मैं ठीक है नहीं तो मैं खुद भी नहीं जीत पाऊंगा आप भी नहीं जीत पाओगे अच्छा उसके बाद सबसे पहला डिफॉल्ट पिक होना चाहिए ऋतुराज गायकवाड़ ठीक है मैं श्रेय अयर से पहले भी ऋतुराज गायकवाड़ को पिक कर रहा हूँ क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ का एगेंस्ट के केयर फॉर्म अच्छा होता है बंदा अलग लेवल पे परफॉर्म करता है तीस चालीस पचास रन का आप एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हो तो ऋतु गायकवाड़ मेरा पहला पिक है मेरा दूसरा पिक है नितेश राणा ठीक है नितेश राणा का एक स्पेशलिटी ये है ये सी एस के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करते तो है ही साथ में आई का पहला मैचेस पर भी इनका परफॉर्मेंस जबरदस्त होता है ठीक है ऑल टाइम नितेश राणा के के आर के लिए जब मुंबई में खेलते थे तब भी फास्ट मैच हो तो नीतेश राणा का परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ हो जाता है चाहे वो बैटिंग से हो चाहे वो बॉलिंग से हो मतलब बॉलिंग भी कर लेते हैं कभी कभी ऐसा नहीं है ये ऑल टाइम मतलब आप जैसे देखते हो कभी कुछ कुछ मैचेस में आ, एक दो ओवर का बॉलिंग करते हैं बट इस बार उनको आठ करोड़ रुपए मिला है केके आर का बॉलिंग स्ट्रेंथ मुझे लगता है थोड़ा सा वीक पॉइंट केके आर का बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो नितेश राणा यहाँ पे साबित हो सकता है आपका तुरुप का इक्का ठीक है तो नितेश राणा को मैं एक बाई डिफॉल्ट पिक करके चलूंगा स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग पे थर्ड में अगर देखिए अगर डेवोन कौन हुए है खेलते हैं ना ये आपका आँखें बंद करके पिक होना चाहिए डेवोन कौन हुए क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर है कंसिस्टेंट है टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है ओपन करने आएंगे इसके पास अच्छा खासा टेक्निक है न्यूजीलैंड का प्लेयर है पेस खेलना जा, जानते हैं स्पिन खेलना हैं एंड कंटेंडर ऑफ द टॉप रन गेटर इन द आईपीएल ये होने वाला है जो रोल सी एस के पहले डुप्लेसी का होता था वो सेम रोल अभी डेवन कॉनवे का होगा इस टीम पे खेलते या अभी नहीं खेलते ये थोड़ा सा देखने का बात है आज का मैच में नेक्स्ट मैच से तो ये खेलेंगे ही खेलेंगे तो अगर डेवन कॉनवे खेलते हैं तो ये मेरा एक डिफॉल्ट पिक होगा अगर नहीं भी खेलते हैं तो मेरा एक डिफॉल्ट यहाँ पे कौन होगा अगर डेवन देव, कौन कौन है नहीं खेलते तो खेलेंगे कौन रबीन थाप्पा रबीन थाप्पा एक ऐसा प्लेयर है इन्होंने सिर्फ केके आर -के -के का एगेंस्ट में रन करना पसंद है ये नहीं है ये वेनू उनका पसंदीदा है ये वेनू उनका पसंदीदा है पहला मैच पे ये ऑल टाइम परफॉर्म करते हैं निट पे जब बैटिंग कर रहे थे टच पे लग रहा था मिडिल हो रहा था प्रैक्टिस मैच पे अच्छा खेल रहा था रबीन उथप्पा ने बहुत 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 मेहनत किया आई पी का सीजन स्टार्ट होने से पहले इनका पिक परसेंटेज कितना है ट्वेंटी थ्री परसेंट है ठीक है बट ये बहुत बड़ा खिलाड़ी आज के लिए साबित हो सकता है इवन मैं अम्बती राय रायडू राई, से भी ऊपर प्रेफर करूँगा कि इसको रबीन उथप्पा को देखिए अम्बाती राहू को आप पिक कर सकते हो नो इश्यूज ऑब्वियसली सब टीम में तो आप रविनु थप्पा लोग को, को तो लेके लोगे नहीं अंबती राहलू को नो लोगे बट अम्बाती रायडू यहाँ पे ना थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट है इस वेन्यू के ऊपर ठीक है बट रवीनुथप्पा वन ऑफ द तो कंसिस्टेंट प्लेयर है उसके बाद मैं जिस प्लेयर का बात करूंगा उस प्लेयर को शायद ही कोई लेके चलेंगे बट मेरे लिए एक डिफॉल्ट पिक कहाँ पे है एक डिफॉल्ट पिक है स्मॉल लीग ग्रैंड लीग मिनी जी एल आप कुछ भी बोल दो सब पे है भाई ठीक है क्योंकि ये मुंबई पे मैच है वो अंकड़ा स्टेडियम पे मैच है एंड ये बात ना ये जो अजिंक्य रहाणे ये जो बंदा है इनके अंदर एक अलग भूख है इस बार ठीक है एक अलग हंगर है ठीक है क्योंकि इनको तो चाहे इनका तो इंडिया टीम में इनका फॉर्म लेके बहुत सारा बातचीत हो रहा था बट प्रॉब्लम ये है ना फॉर्म टेम्पोरिरी है क्लास जो होता है ना वो परमानेंट होता है देखिए फेल्योर इज जस्ट अ इवेंट नॉट अ पर्सन ठीक है फेल्योर एक इवेंट होता है फेल्योर कोई पर्सन नहीं होता है तो अजिंक्य हाने इनके अंदर एक अलग लेवल का एक मोटिवेशन रहेगा परफॉर्म करने के लिए और सबसे बड़ी बात क्या पता है ये जैसा अटैकिंग खेल सकते उतना इनके टीम का जो एंकर है इस के के आर टीम का एंकर होंगे अजिंक्य रहाणे ठीक है ये अजिंक्य रहाणे का आपको लेके चलना स्मॉल लीग ग्रैंड लीग पे बहुत बड़ा एक डिफरेंशियल पिकअप के लिए हो सकता है अच्छा खेलेंगे ठीक है ये उसके बाद अगर एरॉन फिंच तो शायद होंगे नहीं ठीक है अगर एरन फिंच शायद होंगे नहीं इनको आप लेके चल सकते हो अगर खेलते हैं तो अजिंक्य रहाणे नहीं खेलेंगे तो ही एरन फिंच खेलेंगे तो आपके लिए ये है अच्छा उसके बाद श्रेयस अय्यर देखिए बैट विद द गोल्डन टच ठीक है इनका जो फॉर्म चल रहा है ना इनका फॉर्म कुछ अलग लेवल पर चल रहा है इनका तो इनका बैटिंग पे जो भी कर रहे तो वो ही अच्छा हो रहा है बट इनका जो स्पेशलिटी है ना ये सेकेंड इनिंग है चेजिंग पे बहुत अच्छा करते हैं ठीक है और श्रेया अय्याद तीन नंबर पे बैटिंग करने आएंगे बोल दिया है तो श्रेया अयार एक आपके लिए डिफॉल्ट पिक आपका एक बन जाएगा ठीक है तो आप श्रेया अयर के साथ नीतेश राणा एक ऑप्शनल भी कर सकते हो क्योंकि मैं आज रहने और उथप्पा को छोड़ने वाला नहीं हूँ बट आपके लिए अगर सेफ जाना है तो ये आपका कॉम्बिनेशन होगा बैटिंग सेक्शन पे बट मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट जाना है तो मैं थोड़ा सा इस टाइप का कॉम्बिनेशन पर बैटिंग पे जाना चाहूंगा ठीक है जहां पे मेरे पास अजिंक्य रहाने होगा होंगे ऋतुराज गायकवाड़ होगा रवीन दप्पा होगा ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है उसके बाद मैं अगर जाऊंगा ऑलराउंडर सेक्शन पे देखिए ऑलराउंडर सेक्शन पे असल आपके लिए एक डिफॉल्ट पिक है ठीक है और वेंकटेश अय्यर इन दोनों को तो छोड़ नहीं सकते वेंकटेश अय्यर तो अलग लेवल का फॉर्म में होते हैं ठीक है ओपन करने आएंगे बॉलिंग करने आएंगे तो ये एक डिफॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टन पिक भी है तो उसके बाद अब उसके बाद आता है चॉइसेस पे क्योंकि आपको इस पिच के अकॉर्डिंग काम करना देखिए नरिन सुनील नरिन जो है सुनील नरिन का चीज ऐसा है ये सीरीज के अगेंस्ट एक, एक विकेट तो लेके जाएंगे बट बैटिंग ये नीचे आएंगे देखिए बीपीएल में जैसे सुनील नरीन में लास्ट बीपीएल में धमाका कर दिया था बैटिंग पे रन किया था बॉलिंग पे विकेट लिया था बीपीएल और आईपीएल में बहुत डिफरेंस है भाई ठीक है तो सुनील रनिन आपको एक विकेट का पिक के लिए आपका हो सकता है आपका टीम पे उसके बाद एक बहुत बड़ा पिक हो सकता है आपके लिए शिवम दुबे ठीक है क्योंकि शिवम दुबे ना मुंबई का होम ग्राउंड का प्लेयर है ठीक है ये मुंबई के लिए खेलते हैं इनको पता है रिगार्डिंग जो कैसा पिच होगा कैसा कुछ पिच पे ऊपर क्या हरकत हो सकता है ये इनको पता है बट शिवम दुबे का प्रॉब्लम है ये बोलिंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे ये हम लोग को नहीं पता है ये सी एस के का कितना बोलर्स कूदर थे, थे इसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड होगा तो ये ना ये कॉल मैं आफ्टर टॉस लूंगा ये आपको कहाँ पे मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा ये मेरा फाइनल कॉल तो सो तो, एक्चुअली में हम लोग का टेलीग्राम चैनल कैसा है देखिए बहुत कम मेंबर है ऐसे जो न्यू चैनल हम लोग ने ओपन किया है उस पर अभी तक उतना मेंबर हुआ नहीं है ठीक है तो आप इस ये जो ये जो लोगो है इस लोग को लोगों को देखिए और टेलीग्राम लिंक एट द रेट एग्जिट पोर्ट सर्च कीजिए और यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए देखिए यहाँ पे मैं आपको सीधी बात बोलता हूँ आपको मैं ऐसे डेमो टीम देता हूँ मैं फुल टीम देता नहीं हूँ क्योंकि मैं पसंद करता हूँ ग्रैंड लीग पर खेलना और ग्रैंड लीग पर लक अपना लक आप खुद पहन के चलो मेरा लक आपके लक सेम नहीं हो सकता मैं जस्ट आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कॉपी पेस्ट मत करो ठीक है तो ऐसे चलो उसके बाद देखिए शिवम दुबे आपके लिए ग्रैंड लीग का पिक होगा सुनील नग कौन होगा सुनील नयन आपके लिए ए वन पिक होगा और आपके लिए कौन है मैन अली तो अवेलेबल नहीं है और आपके लिए है सर रविंद्र जडेजा सर रविंद्र जादेजा को आप पिक तो स्मॉल लीग पे करना ही है ऑप्शन आपके पास नहीं है बट अगर आप ग्रैंड लीग पे रिक्स लेना चाहते हो ना तो इनको जडेजा कब अच्छा कहते है, पता है जदेजा अच्छा तब खेलते हैं जब इनका बैटिंग पहले आता है एंड बॉलिंग सेकंड में आता है क्योंकि पहले आकर थोड़ा सा बैटिंग करते हैं उसके बाद पिच थोड़ा सा यूज टू हो जाता है तो बॉलिंग करते हैं बट वाम खेड़े का एक रिकॉर्ड क्या है वाम खेड़े स्टेडियम पर रिकॉर्ड है चीज़ अच्छा हो जाता है तो सेकेंड बॉलिंग पे जड्डू उतना ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं भी हो सकता है ठीक है ये जो पहला के जो कुछ मैचेस है ना ये पहले का कुछ मैचेस पे आपको नॉर्मली कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि देखो जड्डू एक बड़ा प्लेयर है अब सी का कैप्टन है फॉर्म पे अच्छा है तो जड्डू को लेके आपको चलना पड़ सकता है तो ये आपके लिए एक पिक होगा बट ग्रैंड लीग पे आप इनको छोड़ने का ट्राई करो देखिए जड्डू के साथ आप अंदर का एक ऑप्शन पे भी आप आ सकते हो तो यहाँ पे आपको लिए एक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है उसके बाद आपके लिए मैं शिवम दुबे का तो एक ऑप्शन तो मैंने दिया ही हूँ आप उसके बाद आपके लिए एक डोएन ब्रावो ये देखिए ये ना सी एस के पहले बॉलिंग करेंगे और सेकेंड बॉलिंग करेंगे डोएन ब्रावो आपके लिए डिफॉल्ट पिक हो जाएगा पहले बॉलिंग करेंगे तो ये तो एक कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन भी है क्योंकि इनका स्लोवर जो है ये बहुत खतरनाक हो जाता है तो डोएन ब्रावो आपके लिए एक पिक हो सकता है उसके बाद देखिए उसके बाद पैट कामीन्स है नहीं तो टीम साउथ खेलेंगे आप इनको प्रेफर कर सकते हो दीपक चहर है नहीं वरुण चक्रवर्ती वन विकेट प्लेयर है एकदम सीरी सी बात है मैं एकदम ओपनली बोल रहा हूँ देखिए मैं उतना कटपिट के बोलना पसंद नहीं करता हूँ जो चीज़ है वो चीज़ है एकदम सीधा मुँह पे बोल रहा हूँ वन विकेट प्लेयर है फॉर दिस मैच ठीक है मुझे इनसे वन विकेट से ज़्यादा विकेट का उम्मीद नहीं लगता है ठीक है वन विकेट आपको लेना है वरुण चक्रवर्ती को ले लो वन विकेट आपके लिए कंफर्म है तो मैं तो लेके ही चलूंगा उसके बाद देखिए उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये है जो खेलेंगे कौन देखिए शिवम मां भी तो एक डिफेंशियल पिक है एंड शिवम मां भी देखिए ओनली टू परसेंट ट्वेल्व परसेंट लोग लिया है तो शिवम मां भी एक चॉइस हो सकता है कोलकाता अगर पहले बॉलिंग करे तो शिवम मा भी का चीज़ें शिवम मा भी कैन बी अ बाई डिफॉल्ट पिक हो सकता है ठीक है आपके लिए पहले बॉलिंग करते हो ये डेथ पे भी बॉलिंग करने को तो शिवम अभी एक एक डिफॉल्ट पिक है उसके बाद आपको अगर लेना है ना तो आप तुषार देश पंत को ले सकते हो अगर सी एस के लिए खेलेंगे कंफर्म होंगे नहीं होंगे वो मैं पहले बाद में आफ्टर टॉस तो आपको लाइनअप तो पता चले जाएगा तुषार देशपंते एक ऐसा बॉलर है ये आपके लिए खेल सकता है आज का मैच पे तो ये बहुत बड़ा आपके लिए पिक हो सकता है इन एक्सपीरियंस अनकैप प्लेयर है ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं बट आपके लिए ग्रैंड लीग चॉइस है उसके बाद देखिए हंगर कौर वो तो अंडर नाइन्टीन प्लेयर है यहाँ पे के 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 लिए राकेश सलीम ठीक है ये राकीस सलीम को मैं प्रेफर करूँगा अगर खेलेंगे तो ठीक है बहुत अच्छा बॉलर है आप इनको पिक करके चल सकते हो बट अभी के लिए मैं यहाँ पे शिवम अभी के पास साथ जाना पसंद करूँगा तो देखिए ये ना एक बेस्ट टीम है जो एक्चुअली एक्चुअली बहुत अच्छा टीम है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये है आपका यहाँ पे आपको कैप्टन वाइस कैप्टनसी का चीज़ करना है अब आप और आपको कि एक डिफरेंस और क्या जाएगा अजिंक्य रहाणे वर्सेस नितेश राणा आप ये भी कॉल भी ले सकते हो जब मतलब आप मैं आपको ये बोल रहा हूँ आप रहाणे को ना लेके आप अगर नीतीश राणा को लोगे ना तब भी ये बहुत अच्छा टीम दिख रहा है मुझे तो सॉलिड टीम दिख रहा है एक्चुअली सॉलिड टीम दिख रहा है ये कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होने वाला है ये टीम आई एम लविंग इट ठीक है अब इस पर कुछ कुछ ऑप्शन है लाइक आपके लिए ऑलराउंडर सेक्शन में आपके लिए सुनील नारायण है तो नारिन को आप ऑल्टर कर, कर, कर सकते हो ऑल्टर कर सकते हो जादेजा अंजेडा सेल श्रेया शय्य को आप ऑल्टर कर सकते हो श्रेया अय्यर अय को आप अजिंक्य रहाने के साथ ऑल्टर कर सकते हो ठीक है उसके बाद अगर एरन फिंच खेलते हैं तो उनके साथ आप ऑल्टर कर सकते हो ये जो ऑल्टरेशन है यही आपका खुद के ऊपर है प्लेयर वही है बट बेस कॉम्बिनेशन ही है अगर मैं बेस कॉम्बिनेशन एकदम प्रॉपर बेस कॉम्बिनेशन का बात करूंगा ना तो कौन प्रॉपरली आपके पास होना चाहिए पहले तो थो मैं थोड़ा सा कैप्टन वाइस कैप्टन का तो आप तो समझ ही चुके होगी इतना देर तक मैं बात कर रहा हूँ तो कैप्टन वाइस कैप्टन अभी तक वीडियो को एक बार लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो ऑलमोस्ट एट्टीन मिनट से जुड़े हुए हो एवं बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके दिया आपका लाइक एंड कॉमेंट करो हैश टैग एक्स स्पोर्ट्स हैश टैग आई पी एल टी ट्वेंटी तब ये चैनल ग्रो हो पाएगा और भी लोगों तक पहुँच पाएगा देखिए ऑल्टरेशन पे आप श्रेय शैयर को ऑल्टर कर सकते हो मेरे लिए यहाँ पे बिना ऑल्टरेशन का पिक ना मेरे लिए ये है देखिए रवीनू थापा मैं अभी छोड़ के जा रहा हूँ ठीक है मेरे पास बिना ऑल्टरेशन का पिक ये है एकदम सीधी सी बात है ये मेरा सात प्लेयर है ठीक है सात प्लेयर को मैं लेके जाना पसंद करूंगा और यही सात प्लेयर मेरा कैप्टन वेस्टमेंट का चॉइस है मैं बॉलर सेक्शन में नहीं जा रहा हूं बोलिंग सेक्शन में वरुण चक्रवर्ती मैं आपको कैप्टन वेस्कर्म करने के लिए नहीं सजेस्ट करूंगा क्योंकि वो हैं बाकी ये जो प्लेयर है आप बोलोगे सर नीतिश राणा कैसे आपका लिए कैप्टन वेस्ट पिक हो सकता है हाँ भाई होगा अगर नहीं होगा ना तो ग्रैंडलिंग नहीं जीतेंगे सीधी सी बात है ठीक है नीतेश राणा एक एक्स अच्छा ऐसा प्लेयर है ना जो ऑल टाइम ये पहला मैच पे थर्टी फाइव फोर्टी इस टाइप का स्कोर करके जा सकता है जो आपके लिए बहुत डिफरेंशियल पिक हो सकता है आप देखना ही है नितेश श्रेया श्रेया के बाद आएंगे पहले आएंगे तीन आएंगे चार आएंगे दिस इज द थिंग के क्या पहले बैटिंग करेगा और के क्या सेकेंड बैटिंग करेगा अगर के क्या पहले बैटिंग करे तो नीतेश देखो मैं अगर बोल रहा हूँ नितेश राणा बहुत अच्छा पिक है तो ऐसा मत करो जो मतलब एकदम आंखें बंद करके पिक कर लो देखो सिचुएशन का समझो मैं बोल रहा हूँ चेजिंग टीम विन होगा के के आर अगर चेज करेगा तो नीतीश राणा का चार पांच नंबर पे बैटिंग करेगा अगर सी एस के एक सौ साठ पैंसठ रन बनाएगा वेंकटाज अय्यार श्रेयास इन लोगों के बाद इतना सारा आयार लेके कहके क्या तैयार होने के बाद आएंगे नीतीश राणा साथ में अंधे रखे तब कितना रन कर पाएंगे भाई पंद्रह बीस कर पाएंगे सिचुएशन का समझो आंखें बंद करके नहीं तब अगर चेजिंग करेंगे तो नीतीश राणा से अच्छा ऑप्शन कौन है नितेश राणा से अच्छा ऑप्शन आपके लिए श्रेय शैया है ये चेज मास्टर है ठीक है तो इस सिचुएशन के ऊपर आपके लिए डिपेंड जाएगा और इस सिचुएशन को आप अपना माइंड पे सेट करो आई होप आपके लिए ये मैच बहुत अच्छा जाएगा टीम बनाओ ज्यादा टीम बनाओ किसी भी फैंटेसी में खेल सकते हो बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसा नहीं है ड्रीम इलेवन में खेलना जरूरी है या फिर ये ये वो ये वो फैंटेसी सारे एप्लीकेशन अच्छा है आप कहीं पे भी खेल सकते हो आपका प्रॉफिट लेकर मतलब है ठीक है आप शायद किसी ना किसी दिन आप एक रो, रो जाओ ये मेरा भाई का एक उम्मीद है उसके लिए आप वीडियो को एक बार लाइक कर देना इस उम्मीद के साथ ठीक है चाहे मैं भी कभी जीत जाऊँ आप भी कभी जीत जाओ उम्मीद पे जीते हैं हम लोग ठीक है तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपको लेके चलना चाहिए और अगर डेमोन कॉर्नर खेलते तो ये भी मेरे लिए एक डिफेंशियल ए बुक एकदम पक्का पिक जाएगा ठीक है मैं इनको छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ ठीक है तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशंस कुछ डिस्कशंस हम लोगों ने किया अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करो कमेंट करो ताकि और तीन चार घंटा बाकी है हम लोग के पास कुछ सब्सक्राइबर कुछ चीज़ें इंक्रीज़ हो जाए चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना सो ऑल द बेस्ट मिलते हैं लाइनअप के टाइम पर थैंक यू सो मच